ब्लॉगिंग विद अनिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने भी मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास अपना खुद का वेबसाइट है। ये अलग बात है कि कुछ लोग एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास एडसेंस की अर्निंग नहीं है, कुछ के पास एडसेंस की अर्निंग है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं अर्न कर पा रहे हैं कि वो उस पर संतुष्ट रह पाए। तो आज मैं आपको अर्निंग का एक नया तरीका बताऊंगा, और वो तरीका आप एक बार समझ लोगे तो आप हर महीने बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। मतलब हर महीने आप चाहोगे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, हर महीने आप कम से कम $1,000 तो कमा सकते हो इजिली। तो दोस्तों, बात यह है कि आपने अभी तक वेबसाइट डेवलप करना सीख लिया है, डोमेन परचेज करना सीख लिया है, डोमेन और ब्लॉगर को एक साथ कस्टम करके ऐड करना सीख लिया है, आप उस पे पोस्ट लिखना आप सीख गए हैं, पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल में करना सीख गए हैं, एडसेंस का अप्रूवल भी आप ले चुके हैं। अब बस आपको पोस्ट लिखना है और एडसेंस से अर्निंग करना है, बस आपका यही काम है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्यों ना आप अपना बना बनाया वेबसाइट को सेल कर दो, आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, ये बना बनाया यार, इतनी मेहनत और इतना मोहब्बत से मैंने इस वेबसाइट को बनाया है और तुम बोलते हो मैं इसको सेल कर दूं। अगर मैं बोलूं कि आपने जो वेबसाइट बनाया है उससे आप महीने में शायद ही 300-500 डॉलर कमा रहे होंगे, शायद ही। अगर मैं मिनिमम आज के रेट से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आपको बताऊं $300 का क्या प्राइस होगा अभी, तो 300 × 80 इक्वल टू हो जाएगा 24,000 रुपये। एक वेबसाइट को आप बेचोगे तो आपको 24,000 तक रुपया मिल सकता है, इवन उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। जितनी अच्छी वेबसाइट होगी, उसका DAPA जितना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर लोगे। ठीक वैसे ही आप हर महीने में 2 से 3 वेबसाइट डेवलप करके उसका एडसेंस अप्रूवल लेकर और आप उसको सेल करोगे। अगर महीना में आपने मान लीजिए मिनिमम 3 वेबसाइट सेल करते हैं आप, तो 3 वेबसाइट इक्वल टू 3 × 300 इक्वल टू $900 हो गया, और 900 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी के रेट से 80 से, तो महीने का 72,000 रुपया तक कमा सकते हैं। फिर आप फोकस रहोगे केवल वेबसाइट बनाने और बेचने पे, उस पे पब्लिक आ रही है कि नहीं आ रही है, कंटेंट कैसे लिखे हैं, कंटेंट लिखने में आप इतना मेहनत लगाते हैं, इतना वक्त आपका जाता है, ये सारा चीज़ करने का झंझट आपका खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप सेल कहाँ करोगे, तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है आपको फ्लिपा, FLIPPA। फ्लिपा जब आप सर्च करोगे, फ्लिपा सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड पे ही दिखा रहा है वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर्स बाय एंड ऑनलाइन बिजनेस। आपको नीचे आना है और यहाँ पे फ्लिपा जो है flipa.com, फ्लिपा बाई एंड सेल ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट्स ऐप। तो यहाँ से आप अपना, अगर आप ऐप डेवलपर हो तो आप ऐप भी बेच सकते हो, आपके पास कोई बिजनेस स्ट्रक्चर है, बिजनेस मॉड्यूल है, आप उसको भी बेच सकते हो। तो आपको इस पे आकर अपना अकाउंट बनाना है, यहाँ पे साइन अप करना है, और ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना है तो आप यहाँ पे लॉग इन करोगे। लेकिन इस पे एक चीज़ ये भी है कि सबसे पहले आप अपने वेबसाइट का वैल्यूएशन भी पता कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का वैल्यूएशन क्या है, कितना तक आपका वेबसाइट बिक सकता है। तो चलिए आज मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि आप यहाँ आने से पहले अपने वेबसाइट को वैल्यूएट कर लीजिए कि आपके वेबसाइट का वैल्यूएशन क्या होगा, आप उसको कितना में बेच सकते हैं, आपको उस पर कितना प्राइस मिल जाएगा। तो गेट वैल्यूएशन पे आप क्लिक करोगे, ये कुछ कुछ पूछेगा प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड, ये सारा चीज़ आपको ओके कर देना है, नोटिफिकेशन भी इसका आप अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सवाल पूछेगा, गेट अ फ्री ऑनलाइन बिजनेस वैल्यूएशन, वेलकम टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस, वी नीड टू आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट योर बिजनेस, आर यू रेडी? यस, मैंने यस मैसेज सेंड किया। ग्रेट, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट विथ योर नेम। तो आपको यहाँ पे अपना नाम देना है, एक्चुअल नाम जो आपका है, या आप चाहें तो अपने बिजनेस का भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये तो इवोल्यूशन के लिए है। चलिए मैं अपना एक्चुअल ही नाम यहाँ देता हूँ जिससे कि थोड़ा इजी हो।
अब उसके बाद से मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। ये हो गया अनिश कुमार मिश्रा। अब लिख रहा है थैंक्स अनिश कुमार मिश्रा, नाउ व्हाट्स योर डोमेन नेम और यूआरएल। तो आपका डोमेन का नाम और यूआरएल क्या है, आपको अपने वेबसाइट का डोमेन यूआरएल डालना है। तो चलिए मैं अपने यहाँ वेबसाइट का डोमेन यूआरएल डाल लेता हूँ। चलिए मैंने इसको डाल दिया। अब मैंने इंटर किया थैंक्स, व्हाट ईयर डिड यू स्टार्ट द बिजनेस, एग्जांपल 2018। आपको ईयर बताना है किस ईयर में आपने इसको शुरू किया था। तो मैंने इसको जो शुरू किया था वो ईयर था, यानी शुरू करने का मतलब कि किस ईयर मैंने डोमेन को खरीदा था। तो एक बार मैं आपको न्यू टैब में लेकर चलता हूँ और यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ वेबसाइट एज चेकर, वेबसाइट एज चेकर में आ गए हम लोग। यहाँ पे एज चेकर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे यूआरएल डालना है। चलिए मैं अपने वेबसाइट का यूआरएल डालता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे यूआरएल लिख लिया है, अब मैं यहाँ इंटर करूँगा और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा की तरह करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो ब्लॉगिंग की दुनिया में। और आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं एक डोमेन चाहूँ, वेबसाइट खुलने में थोड़ा समय लग रहा है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो उससे बढ़िया है कि चलिए मैं इसमें ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा वक्त ले रहा है तो मैं यहीं चला जाता हूँ, इस टैब में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको ईयर बताना है। तो जैसे मैंने अपना डोमेन लिया था, वो डोमेन लगभग 2020 में लिया था, तो 2020 मैं डालता हूँ। 2020 डालने के बाद ये पूछेगा मुझसे कि व्हाट इज योर मेन बिजनेस मॉडल। तो मेरे बिजनेस मॉडल यानी मेरे वेबसाइट का मेन जो मकसद है वो क्या है, ई कॉमर्स है, कंटेंट एडवर्टाइजिंग है, मार्केट प्लेस है, सास है, सर्विस एजेंसी है, या वो एप्लीकेशन या वो सोशल हैंडल से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो मैं जो बेसिकली काम करता हूँ वो कंटेंट राइटिंग ही करता हूँ, मैं न्यूज़ आर्टिकल ही लिखता हूँ। तो चलिए मैं कंटेंट पे कर दिया। कंटेंट पे करने के बाद वो क्या है, ब्लॉग है, आर्टिकल है, फॉरम है, कम्युनिटी है, डायरेक्टरी है, रिव्यू साइट है या आधार है। तो ब्लॉग आर्टिकल ही मैं लिखता हूँ। उसके बाद से यहाँ ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर मेन मोनेटाइजेशन मेथड। तो मोनेटाइजेशन मेथड मुझे कहाँ कहाँ से मिली है। तो मेरे पे एडसेंस है, तो मैंने एडसेंस को सिलेक्ट किया। उसके बाद से जो मेरा ये कैटेगरीज है वो कैटेगरीज क्या है। तो ये कैटेगरीज जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत रिलेट होना चाहिए। तो चलिए मेरा तो न्यूज़ वाला है, न्यूज़ वाला सेक्शन इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं एंटरटेनमेंट कर देता हूँ, न्यूज़ तो आजकल एंटरटेनमेंट ही है। अब यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट वाज योर टोटल रेवेन्यू फॉर द लास्ट 12th मंथ। तो जो मेरे लास्ट 12th मंथ के जो मेरे रेवेन्यू है यानी हर मंथ जो डॉलर मेरे बने हैं, तो वो कितने डॉलर बने हैं। तो 12 महीने के जो डॉलर मैं इनको बताऊँ तो वो मैं मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एग्जैक्ट लिखना है। तो और जो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट ही लिखना, जितना हो सच लिखना, क्योंकि आप यहाँ सेल करने जा रहे हो और यहाँ आपको इवोल्यूशन मिलेगा। तो जो आपको मिलेगा, आपको यहाँ वैल्यू मिलेगा, वो एग्जैक्ट होगा, उस हिसाब से आपको एग्जैक्ट चीज़ों को बताना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 600। अब डॉलर का साइन यहाँ मुझे डालना होगा, डॉलर का साइन डाल दिया मैंने, ठीक है, मैं इंटर किया। उसके बाद से नेक्स्ट ये जो पूछेगा कि हाउ डिड योर मोस्ट रिसेंट मंथ ऑफ रेवेन्यू कंपेयर टू अदर मंथ, डिड इट डिक्लाइन, इंक्रीज और वाज इट स्टेबल। तो मैं स्टेबल ही करूँगा क्योंकि ये स्टेबल ही था, स्टेबल ही रहता है, लगभग उसी के नियर अबाउट रहता है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट वर योर टोटल एक्सपेंसेस फॉर लास्ट 12th मंथ। तो पिछले 12 महीने में इस वेबसाइट में मेरे कितने एक्सपेंस हुए हैं। तो एक्सपेंस जैसे ले लीजिए कि मैंने अपने डोमेन को रिन्यूअल कराया था,
उसके बाद से एक दो जगह मैंने और भी चीज़ें एक्सपेंस की थी, तो ओवरऑल मैं इसमें लिख देता हूँ $50, क्योंकि इसमें मिनिमम $50 ही डालना होता है। $50 से कम डालोगे तो ये बोलेगा कि नहीं भैया $50 ही डालो। तो $50 मैंने यहाँ डाल दिया, और $50 डालने के बाद ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी मंथली यूजर्स यूनिक विजिटर्स डिड योर वेबसाइट गेट लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ जो यूनिक विजिटर थे आपके वेबसाइट पे वो कितने थे? तो लास्ट मंथ पे जो मेरे वेबसाइट पे थे वो थे आपको लगभग 6,558, ठीक है, इतने मेरे विजिटर थे। उसके बाद है ये पूछ रहा है कि हाउ डू यू जनरेट मोस्ट ऑफ योर वेबसाइट ट्रैफिक। तो आपका जो मोस्ट वेबसाइट ट्रैफिक है, लोग कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनिक आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, सोशल आते हैं, एडवर्ड्स आते हैं, अदर एडवर्टाइजिंग से आते हैं? तो जो मेरे जो आते हैं वो सोशल से आते हैं। मैं फेसबुक से ज़्यादा और यूट्यूब से ज़्यादा पब्लिक गेन करता हूँ, तो चलो मैं सोशल कर दिया। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ योर ट्रैफिक इज ऑर्गेनिक, ठीक है, ये तो आपने सोशल कर दिया या पेड कर दिया बता दिया, लेकिन ओवरऑल आपके 100% ट्रैफिक में से कितने परसेंट ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके आते हैं? तो मेरे जो आते हैं बिटवीन 25 to 50 के बीच में, मेरे गूगल से भी आते हैं व्यूवर्स, ऐसा नहीं है। इज दिस योर बिजनेस यू आर गेटिंग अ वैल्यूएशन फॉर टूडे? तो हाँ भाई, मेरी बिजनेस और मैं आज ही वैल्यूएशन करना चाहता हूँ इसके। When are you looking to sell your online business? I am not selling, just curious. I am considering selling. हाँ भाई, I am considering selling. अच्छी दाम मिलेगी तो मैं अपनी वेबसाइट को बेच दूंगा, क्या दिक्कत है उसमें? Thanks. We are calculating valuation for this online business right now. It won't take long. Your valuation is ready. Please enter your email address to complete your valuation. तो चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ डाल देता हूँ, जैसे ही उन लोगों ने बोला है। तो अनीश पल्लवी मिश्रा चलिए ये मेरी ईमेल आईडी है, मैंने इस ईमेल आईडी को डाल दिया। और इसको डालने के बाद थैंक्स, इट विल टेक 20 to 30 सेकेंड टू वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस, वी आर ऑलमोस्ट देयर, होल्ड टाइट। तो कुछ वेट के बाद ये लोग यहाँ बता देगा कि ये जो मेरी वेबसाइट है, जो डिटेल मैंने दी है, वो फ्लिपा पे कितने तक बिक सकती है। तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है आपके सामने है, मैंने ऑनलाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन योर इनपुट योर एसेस कुड बी वर्थ अप टू $1,000, $1,000 में ये बिक सकता है मेरा वेबसाइट। $1,000 की मैं बात करूं, कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट कर लेने दीजिए, 1,000 × 80 यानी 80,000 रुपये में मेरा ये वेबसाइट बिक सकता है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं बेच दूँ। अब कैसे बेचना है, उसके क्या प्रोसेस है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और बाकी आपको और भी जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैं फिर मिलूँगा किसी नया अपडेट और किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।